लोकसभा चुनाव के महापर्व का आज परिणाम सामने आने वाला है। सबकी निगाहें टिकी है सिर्फ और सिर्फ परिणाम पर कि किसकी सरकार बनने वाली है। बीच अगर बात की जाए सुल्तानपुर से तो सुल्तानपुर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मेनका गांधी आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। जो तरीके से रुझावने जो सामने आ रहे हैं मेनका गांधी को दिखा रहे हैं कि मेनका गांधी आगे है। रामभुआल निषाद मेनका गांधी के बाद सेकंड पोजिशन पे है, वही थर्ड पोजिशन पर उदराज वर्मा बताए जा रहे हैं कि थर्ड पोजिशन पर उनके सीट कायम है। सारे अपडेट के लिए सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, क्या कुछ अपडेट है सुल्तानपुर से? जी, यहाँ पे कांटे का संघर्ष चल रहा है। ये इंडिया गठबंधन के रामभुआल निषाद 10,745 मतों से आगे हैं, 9,192 मतों से आगे हैं। जी, मेनका गांधी को 83,280 मत मिले हैं, रामभुआल निषाद को 92,362 मत मिले हैं, वहीं बसपा के उदराज वर्मा को 36,500 मत मिले हैं। जी, लगातार हालांकि मेनका गांधी थोड़ी अपनी मतलब अंतर कम करती हुई अब पहुंच गई है 9,082 मतों के पीछे चल रही है। जी बिल्कुल राजेश जी, लेकिन सुल्तानपुर में मेनका गांधी को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? लगातार एनडीए गठबंधन इस बात का दावा करते हुए आ रही थी कि इस बार बीजेपी लगातार यूपी में 80 सीटों को पूरी तरीके से पार कर जाएगी, 80 सीटें उसके हाथ में होगी। मेनका गांधी की क्या दिख रही है वहाँ पे कार्य को लेकर, क्या लग रहा है वहाँ की जनता से, क्या कुछ अपडेट मिल सकता है, क्या लग रहा है आपको? अब जनता को जो अपना फैसला देना था वो तो ईवीएम में कैद कर चुकी है, लेकिन अब जब आज ईवीएम खुले हैं तो शुरुआती दौर से ही श्रीमती गांधी पीछे चलना शुरुआत में आगे थी कुछ क्षणों के लिए, उसके बाद से वो लगातार पीछे चल रही है। तो हालांकि लगातार अंतर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी कई विधानसभाओं की मतगणना होना बाकी है। राजेश जी, जो रुझावने सामने आ रहे राम भुआल लगातार आगे चल रहे हैं, शुरुआत में मेनका गांधी आगे गई थी, क्या कुछ लग रहा है कि ये रुझावने ऊपर नीचे भी हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। अभी ये कयास लगाया जा रहा है कि 12:30 बजे के बाद जी, जब ये सदर विधानसभा और सुल्तानपुर जिसमें शहर आता है, जब ये विधानसभाएं खुलेंगी तो मेनका गांधी लीड ले सकती है। यानी कि मेनका गांधी को लेकर उम्मीद अभी भी जताई जा रही है कि सुल्तानपुर से वो जीत हासिल एक बार फिर से कर सकती है। ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम हमें अपडेट दी है, शुक्रिया।